हेलो स्टूडेंट को फिर आपका स्वागत है आपके एम चैनल पढ़ाई लिखाई पे आज हम अपनी वसबर्ट का एक और नया चैप्टर करेंगे जो है हमारा चैप्टर नंबर फोर मैकपैथ एंड द ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले है रिटन बाय शेक्सपियर ये पर्टिकुलर बिचेस के बारे में है मैकपैथ के बारे में है बेसिकली ये चैप्टर स्टार्ट जब आप पूरा मैकबैथ पढ़ना चाहते हो तो आपको पता चलेगा बट ये थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट है लेकिन फिर भी थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग जो है पार्ट इसमें लिया गया है मेरा टाइम को बेस करें फटाफट से पहले समझते हैं इसकी समरी के बारे में क्या है चैप्टर चैप्टर ऑफ विलियम एक्सपीरियंस प्ले मैकबेथ जो है और के बारे में आप जानते हो दैट द वन ऑफ द बेस्ट ड्रामाटिस्ट बहुत ज्यादा बहुत बड़े लोग रिसर्च uh, करते हैं लेकिन समझ नहीं पाया दिमाग लेके आए इतना कैसे कर थे, कैसे कर पे, कर थे ये मैकबेथ और जो बैंक्यू जो है एनकाउंटर करते हैं थ्री बचेस को एक क्या, एक क्या होता है लड़ाई झगड़ा हो रहा है एक बार बहुत ज्यादा फॉक हो रही है बहुत ज्यादा फॉक बता जो कोहरा हो रहा है जाड़े के दिन है तो मैकबेथ देखता है कि मतलब तीन बचेस जो तीन जो आदुकर्णियां होती हैं उनसे वो मिलता है तीन चुड़ैलें टाइप की होती हैं तो एक जो कैरेक्टर कर है उनके साथ का बैंक्यू वो और जो मैक और जो मैकबेथ है हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो तीन बजे से मिलता है अपने रास्ते में जब वो बैटलफील्ड से लौट रहे होते हैं बैटलफील्ड से वो अपने घर लौट रहा होता है युद्ध से भविष्यवाणियां तो मतलब करती है थानेडोर एंड द एवेंचली किंग क्या है कि मतलब पहले क्या है वो थाने एक पोस्ट है था, था था, थानेडोर बनेगा और बाद में एवेंचली किंग बनेगा भाई बैंक फादर अफ किंग्स जो है मतलब एक जबकि जो है वाला है वास्तव में क्या बकवास कर रही थी मैं राजा कैसे बन जाऊंगा मत सिंपल सा uh, एक छोटा सा ऑफिशियल हूं उनके राजा की पोस्ट पर बट उसका जो uh, स्पैके जितने भी ये सब ख्याल जो चल रहे होते उसके माइंड में वंटर क्रिएट करते हैं सरप्राइज क्रिएट करते

द witches एंड द prophecies, उन witches के बारे में और उस prophecies के बारे में बहुत तो ज़्यादा चिंतित होता है एंड द बॉर्न मैकपथ मैकवेथ को बॉर्न करता है टू बी केयरफुल ए प्रोमिस की अपने प्रोमिस के प्रति जो है बहुत ज़्यादा केयरफुल रहे उनको निभाए ही बिलीव that द witches आर ईवर की जो बिचेस होती हैं बुरी होती हैं एक जरूरी नहीं कि भैया एक जो है पूरी हो गई है दोबारा सभी पूरी हो जाएंगी एंड अ ट्राइंग टू ट्रिक मैक में तो हो सकता है वो उसके साथ कोई चाल खेल रही हो इन टू द केक टेकिंग एक्शन एंड लीड टू द डाउनफॉल और जिससे क्या हो बाद में वो डाउनफॉल हो जाए मतलब पुराने था, जो थाने वो ऑर्डर था उसकी तरह उसको भी भैया सजा मिल जाए फांसी सजा मिल जाए या ऐसा कुछ हो जाए उसका मर्डर कर दिया जाए बाद में क्या होता है एज अ मैकबेद कंसिडर द बिचेस प्रोफेसर जब उनको समझता है जानता ही बिगिंस टू हैव कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट एंड फीलिंग अबाउट द फ्यूचर के मतलब एक बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट आता है यार ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा ये नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा ऐसा, हुआ तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा इस टाइप के ख्याल उसके दिमाग में चल रहे होते हैं उसमें बहुत सारी फीलिंग्स है और जो इमोशंस होते हैं बहुत कॉन्ट्रेक्टिंग उसके दिमाग में चल रहे होते हैं ही इज फियरफुल एंड सीक्रेटली प्लीज में बहुत ज्यादा डरा हुआ हुआ भी है और सीक्रेटली मतलब एक बहुत ही रैसमी रंग से खुश भी है अबाउट द दर्ड प्रोफेसर मतलब उसकी जो तीसरी जो भविष्यवाणी है वो सच हो जाएगी व्हिच प्रेडिक्ट जो कि ये प्रेडिक्ट करती है दैट ही विल बिकम द किंग ही वो राजा बनने वाला राजा बन जाएगा मैकवेद इंक्रीजिंग आइडिया ऑफ द बिकमिंग किंग्स पूरी तरह से उसके दिमाग में जाती है कि वो राजा बनने वाला है इन बिगिन टर टेकिंग एक्शन दैट टू अचीविंग इस गोल की अब वो लगता है कि अब तो मैं इसके ऊपर एक्शन जरूर लूंगा जिससे मैं राजा बन जाऊँ ओवरऑल दैप्टर मैकवेद क्या हुई जो पर पर्टिकुलर चैप्टर है मैकवे सेट एज स्टेज फॉर अ प्ले एक प्ले का सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट है मैक्वेद एम्बिशन अगर हम बात करें मैकवेद का एम्बिशन के ऊपर बात की गई है कि मैकवेद जो एम्बिशन है उसकी जो इच्छा है क्या राजा बनने की एंड विल

जिस की जो प्रोफेसी है यानी कि उनकी जो भविष्यवाणी है सजे तक मैकबेट इट्स अ फीचर प्री डेमाइंड की उसका जो फीचर है प्री डिफाइंड है हाँ माना हमारा सबका फीचर जो प्री डिफाइंड डिटरमाइंड होता है कि पहले से भगवान ने लिखा हुआ है ऐसा होगा और ऐसा होगा तो जैसे अभी रिसेंटली एक मूवी मैंने देखी थी राधे श्याम उसमें क्या है बहुत बड़ा पामिस्ट है वो मतलब लोगों की रेखा देख के बताया था कि ऐसा होगा उसे भी पता है कि उसकी लाइफ में जो है लव लाइन नहीं है लव लाइफ नहीं है उसकी जो इस एज में यानी उसे डेट भी पता है कि इस ट्वेंटी सिक्स को क्या होगा उसकी डेथ हो जाएगी लेकिन क्या होता है ऐसा होता नहीं है कि मतलब भगवान भी के एक परसेंट नाइनटी नाइन परसेंट तो उसने लिखा रखा हुआ एक है एक परसेंट हमारे ऊपर छोड़ देता है भैया तुम्हारी कितनी मेहनत कर रहे हो तुम क्या करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि तुम क्या कर सकते हो तो यहाँ पे प्री डिप डाइंड तो उन्ना फीचर है लेकिन उसके साथ क्या होता है इसके लिए आपको पूरी मैकबेद पढ़नी पड़ेगी वैसे मैंने ये जो मैकबेद का चैप्टर है मैंने इसको बी फाइनल में पढ़ा था जब मैं अपना बी कर रहा था बी ए के लास्ट ईयर में था तब मैंने इसको पढ़ा था बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले है आप चाहो तो इसकी वीडियोज भी आपको कई सारी मिल जाएंगी पूरे प्ले की क्योंकि पूरा प्ले एक छोटी सी वीडियो में समझा पाना बहुत मुश्किल है बाद में क्या

था क्वेश्चन पहला sure मतलब क्वेश्चन नहीं होता जो बचेज है, है या नहीं है तो बैंक आर वु बियर एंड लुक लाइक दे कुड बी मैन इन डिस्काइज ऐसा है कि मतलब जो बिचेस है जो जादूगर छुड़ाला जो मिलती है वो लगता है कि भैया ही नहीं है क्योंकि उनकी बियड है उनकी जो दाढ़ी रखी होती है और वो ऐसा लगता है कि वो मैन इन डिस्काइज की मतलब आदमी उन्हें भेज बलता हुआ डिस्काइज मतलब हमने अपना रूप चेंज किया हुआ है हाउ डू यू बिच इज ग्रेट मैकवे आफ्टर द बैटल क्या है कि हाउ डू द बिच इज ग्रीट कैसे उसका अभिवादन करती है कैसे उससे मिलती है कैसे उसका वेलकम करती है द बिच इज ग्रीट मैकवे विद्री टाइटल्स तीन टाइटल्स देते हैं थाने ऑफ ग्लिमरीज द था ऑफ कॉर्डर एंड द किंग दे राफ्टर मतलब तीन उसे बिचिस दी जाती है द थाने ऑफ क्लाइम जो कि वो होता है थानी ऑफ कॉर्डर जो वो बन जाता है और उसके बाद द किंग वो बाद में बन जाता है चैप्टर में इसका इंक्लूड नहीं किया गया

किंग मतलब कि वैंक्यू के जो वो खुद राजा नहीं बनेगा लेकिन उसके जो डिसेंडेंट होंगे उसके जो बारिश होंगे वो के राजा बनेंगे सॉरी विद सेंटेंस टेल अस दैट मैकबेथ इज फियरफुल येट सीक्रेटली प्लीज क्या चीज दिखाती है द सेंटेंस दैट टेल अस द मैकबेथ इज फियरफुल एंड इज सीक्रेटली अबाउट द थर्ड प्रोफेसी आर ये दो सेंटेंस है गुड सर वाई डू यू स्टार्ट एंड सीन्स अफियर थिंक दैट यूर डू साउंड सो फेयर बैंक यू ने कहा था एंड इफ चांस विल हैव मी किंग वाई चांस मे क्रॉन मी विदाउट माई स्टिल मैक पैथ एंड उसके बाद में और uh, थर्ड uh, ये उसके बाद हो जाएगा ये मैंने तीनों इंक्लूड करें आप कोई भी दो लिख सकते हो माई थॉट मर्डर येट बट सेक टू माई सिंगल स्टेट ऑफ मैन दैट फंक्शन इज द स्मूथर्ड समाइज एंड नथिंग इज बट वट इज नॉट ये मैकबैथ ने कहा था तो उसके बाद में हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं वो होता है हमारे रीड दीज लाइन्स एंड मतलब बेसिकली हमारे एक्स टाइप के क्वेश्चन है हमें एक छोटा सा एक्सट्रेट किया गया उसके हमसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो इट इज नॉट पॉसिबल टू है तो बैंक यू सेट इज द स्पीकर रेफरिंग टू द बैंक यू इज क्वेश्चनिंग द रियलिटी ऑफ द बचेज प्रोफेसी एंड वॉन्टेड इफ दुड बी द रिजल्ट ऑफ ईटिंग पॉइनस प्लांट एंड अफेक्टेड बॉम्स वनिटी एंड सी हो जाएगा

and Banquo as a woman Banquo warns Macbeth that these powers may be trying to deceive him and lead him down to path of the destruction

डेस्टिनी सॉरी एंडविथ फिफिलमेंट ऑफ द थर्ड प्रोफेसी तो यहां हो जाएगा द मैकविथ फियर दट फुलफिलमेंट ऑफ दर्ड प्रोफेसी बिकॉज ही स्टेट दैट ही रियलाइज मे रिक्वायर हिम टू कमिट मर्डर ही इज बोथ एफरेड the 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 idea of of killing someone and and afraid of the consequence that that may may come the committing such an act. Additionally, he he is unsure if he can trust the witches and fears that they may be leading him to the path of destruction. उसके बाद हमसे कहा जा रहा है हमसे पहला क्वेश्चन है हाउ डज बैंको रिएक्ट टू द प्रोफेसी वॉट हिम क्या वो करता है practical and does not fully believe in the witches' words that shows that he is a rational thinker who is not easily surveyed by supernatural beliefs second question is, do you think macbeth will wait for the fulfillment of third prophecy or will he take steps to make it happen

डिफिकल्ट है प्रना की सटेली मैकवे ऐसा करेगा बट बेस्ड ऑन द रियक्शन जो भी उसने रिएक्शन दिया हुआ है टू द फर्स्ट प्रोफेसि पे टेक स्टेप दे सकता है टू मेक दर्ड प्रोफेसू जिससे बह चुका है अपनी एम्बिशन में मे ड्राइव यूम टेक एन एक्शन टू दिकम जिससे वो एक्शन ले सकता है किंग बनने में लेकिन अगर हम पूरे उसकी बात करें तो वो लेगा ही लेगा अभी क्या है कि आपको यहाँ आंसर दिया गया इसलिए कि डू यू थिंक क्या आपको लगता है तो हमें जो लगता है कि हमें पर्टिकुलर आंसर हमें देना पड़ेगा पर हम अगर पूरा का पूरा मैकमेट जो हमारा ड्रामा है उसको पढ़ेंगे तो हमें हमें पता चलता है कि हाँ वो ऐसा करता है क्योंकि बहुत ज्यादा ड्राइव हो जाता है अपनी एम्बिशन से अपनी इच्छा में इतना खो जाता है वो उसकी पर्टिकुलर बेसिस के ऊपर इतनी हावी हो जाती है कि वो राजा का मदद तक कर देता है नेक्स्ट हमसे कहा जा रहा था क्वेश्चन uh, पूछे जा रहे हैं नो योर वैल्यूज यहाँ पे छोटा सा पार्ट हमें दिया हुआ है इन द प्ले मैक सीम टू बी इम टू नो अबाउट हिस फ्यूचर दिस इज़ वॉट अल्टीमेटली लीड टू द डाउनफॉल एंड ट्रेजिक एंड वी नीड टू हैव द पेशेंस एंड वेट फॉर थिंग्स टू है इन देर ऑनलाइन इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं ये हो जाएगा

थिंग्स द मेकिंग डिसीजन कैन ऑफर इट इज इम्पोर्टेंट टू ट्रस्ट एंड है टाइम इज राइट प्रैक्टिस ठीक है तो इसी के साथ हमारा ये जो पार्ट है खत्म होता है और इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म हो जाता है और बता लेने का समय आता है बट अभी तक तो आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया शेयर नहीं किया सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना क्योंकि तो ये कंटेंट आपको फिर और कहीं नहीं मिलेगा और मिलते हैं आपके फिर नेक्स्ट चैप्टर साथ में तब तक के लिए गुड बाय थैंक यू